awesome you awesome people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Today's video is very important. Why it is so important? Because aaj mera bahut important kaam ho chuka hai. Mere sir se bahut ek bhari sa bojh tha jo ki utar chuka hai. That is vaccination. So yes guys, I finally vaccinated and I'm so happy. Like I told you, I was struggling with this, okay? क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ता है टू गेट वैक्सीनेटेड. आप ऐसे सेंटर में नहीं जा सकते हैं वॉक इन करके, आपको स्लॉट बुक करने होते हैं और मुझसे स्लॉट ही बुक नहीं हो रहे थे. मतलब मैं बता नहीं सकती. जो आयोग सेतु है तुम्हारा, कोविन ऐप है, कम भगत जब भी लॉग इन करो तो स्लॉट्स बुक एंड विद इन सेकेंड्स. एंड ऐसा नहीं कि मैं मतलब आधे घंटे बाद पोर्टल ओपन होने के मैं तब लॉग इन कर रही हूँ. नहीं भैया, जैसे 2:30 अगर टाइम है उसी टाइम पे मैं लॉग इन कर रही हूँ एंड विद इन सेकंड्स, लाइक 3 to 4 seconds इट विल बी बुक्ड. मतलब एक टाइम तो ऐसा हुआ कि मैंने लॉग इन किया, मुझे स्लॉट मिल गया, मैंने क्लिक किया एंड उसमें एक आपको OTP या कोड ऐसा कुछ भरना पड़ता है, ठीक है. मैं वो एंटर कर रही हूँ एंड बाय द टाइम आई एम डूइंग दिस इट्स बुक्ड. एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग. मतलब हाउ इट इज इवन पॉसिबल, वाई दिस इज हैपनिंग विद मी, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ दिस थिंग वर्क्स, लाइक Why it is happening. फिर मैंने ना DC कांगड़ा का जो पेज है फेसबुक पे, मैं उस पर भी गई क्योंकि वहाँ पे अपडेट्स आते रहते थे कि कहाँ पे कब मतलब स्लॉट्स ओपन होंगे, कब मतलब आप बुक कर सकते हैं स्लॉट्स वगैरह. तो उसमें ना मैं कमेंट सेक्शन में लोगों के कमेंट्स पढ़ती थी एंड दे विल बी लाइक, यू नो, मैं 4 बार ट्राई किया, मैंने 5 बार ट्राई किया, यू नो इट्स अ स्कैम, क्यों नहीं हो रहा है, विदिन सेकेंड्स कैसे मतलब स्लॉट्स बुक हो सकते हैं. सो देन आई वॉज लाइक, यू नो वॉट, आई एम नॉट द ओनली पर्सन, मेरे जैसे बहुत सारे हैं. तो मुझे थोड़ा अच्छा फील हुआ, ठीक है. बट वो अच्छे फील होने का मैं क्या करूँगी, बिकॉज वैक्सीन तो लगानी ही है ना. मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ वेरी क्रूशल. सो बस मैं इंतज़ार कर रही थी कि पोर्टल ओपन होगा एंड या कल फिर मुझे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं अभी भैया ने, उन्होंने कॉल किया एंड ही इज़ लाइक, यू नो भाभी अभी पोर्टल ओपन हो रखा है तो आप बुक कर लो. तो मैंने कहा मैं तो खाना बना रही हूँ अभी, और मैंने कहा कैसे करना है कौन से पोर्टल में, बिकॉज उस पेज में जो है जो फेसबुक वाले पेज में उसमें तो दिखा नहीं रहा था कि मतलब आज स्लॉट्स ओपन होने वाले हैं या बुक कर सकते हो. तो उसने कहा चलो ठीक है, आप एक काम करो, आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो अपने आधार कार्ड का. और बेसिकली जब आप स्लॉट बुक करते हो या लॉगिन करते हो तो किसी के घर में खाना बन रहा है, सिटी हो रही है अभी कुकर की, 5वीं बार पता नहीं क्या पका रही है, मतलब कौन सी राजमा है, ये कौन सा चिकन है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बट ये बहुत सीटियाँ मार रहा है कुकर. सो एनीवेज, तो फिर ना मैंने कहा यार ठीक है, तो आपको जब लॉग इन करते हो ना आपको तो आधार, अपना आधार कार्ड नंबर डालना पड़ता है उसमें, ठीक है, वो वेरीफाई करता है एंड देन ऑल ऑफ दैट एंड आपका नंबर, बेसिकली उसमें डिटेल्स आती हैं अगर आपका स्लॉट बुक हो जाता है तो. तो मैंने उनको अपना आधार कार्ड जो था उसका फोटो भेज दिया, ठीक है. अब उसके बाद आफ्टर लाइक हाफ एन आवर ही कॉल्ड मी अप एंड ही टोल्ड मी कि भाभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है. सो द थिंग इज, व्हेन यू स्टार्ट बुकिंग द स्लॉट ना, तो जब वो खुलता है तो धीरे धीरे करके सारे जो सेंटर्स हैं उनके नाम आते हैं. तो ऐसा नहीं कि एक बार में सारे सेंटर्स खुल जाएंगे, वो धीरे 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 करके आता है. सो फर्स्टली वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि हमारे आसपास कौन कौन सी जगह हैं, बिकॉज बहुत सारी जगहों का नाम हमने नहीं सुना है. मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ वैसे अभी. सो हाँ, तो जो आसपास है बहुत सारी जगहों का नाम नहीं सुना है या पता नहीं कितना डिस्टेंस होगा. मतलब यू डोंट वांट टू ट्रैवल, नोबडी वांट्स टू ट्रैवल 1 hour or 2 hours फॉर अ वैक्सीन. मतलब यू कैन ट्रैवल बट देन इट डज नॉट मेक एनी सेंस, जबकि आपके आसपास सेंटर्स हैं. सो यू नो आई वॉज लाइक, यू नो होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो चलो कोई बात नहीं, विल ट्राई सम अदर टाइम. बट हो गया एंड आई वॉज सो हैप्पी. मैंने कहा यार थैंक यू सो मच भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ, बिकॉज मैं तो ट्राई कर करके थक चुकी हूँ, ठीक है. और पता है मैंने क्या सोचा कि जब ये ऐसे नहीं हो रहा था ना, तो मैंने सोचा कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चल जाती हूँ, ठीक है, वहाँ जाके वैक्सीन लगा लेती हूँ, बिकॉज वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है. मतलब 200-300 रुपये के लिए मतलब क्यों इतना वो करना, डिले करना, डज नॉट मेक एनी सेंस. फिर मैंने जब रेंज पड़े ना, तो 1800-1900-1700 रुपये वैक्सीन के लिए. मतलब सरकार तो कह रही है कि भाई फ्री में वैक्सीन दे रहे हैं और यहाँ पे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं वो इतने चार्ज कर रहे हैं. मतलब मुझे नहीं पता भाई लॉजिक ये, बट मैंने कहा एक काम करती हूँ, थोड़े दिन और वेट कर लेती हूँ.
Let the slots open and then I will log in and then I will try to book my slot. But all thanks to my brother-in-law, हमारा जो slot है book हो गया and finally मैं आज गई थी. मैं मेरा जो slot था 10 बजे से लेके 11 बजे तक का था. So उनको एक SMS आया था और SMS में reference number था और मेरा timing था और location जो जो कि वेन्यू है उसका वो सब लिखा हुआ था. आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू दैट वेन यू गो, ठीक है, तो एक पेपर में, छोटे से पेपर में अपना रेफरेंस नंबर, अपना नाम और एक 4 डिजिट्स का कोड आता है, सीक्रेट कोड आता है, वो लिख के जाना और अपना आधार कार्ड नंबर भी लिख के चल जाना. बिकॉज जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक भैया था, मतलब जो गार्ड था, उसने हमको बोला कि उसने मतलब एक चिट दिया और उस पर सबके नंबर, जैसे सीक्वेंस नंबर की 1 2 3 4, और उसके नीचे उन्होंने कहा कि अपना आप डिटेल्स भर दो. तो देयर वाज दिस वन लेडी, आई थिंक उनको पता था पहले से, सो उन्होंने पहले से ही डिटेल्स लिख के आ गई थी. तो यू नो दैट सेव्स टाइम एंड ऑल्सो मेरे पास पेन नहीं था. तो मेरे जैसे आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे, मेरे पास पेन होता है, मतलब मेरे दूसरे बैग में पेन था, बट जो बैग में लेके गई थी पर्स उसमें नहीं था. सो आई आस्क्ड हिम कि भैया पेन दे दो मुझे. तो फाइनली किसी ने पेन दिया, मैंने डिटेल्स भरी एंड देन आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गेट वैक्सीनेटेड टूडे. तो क्योंकि मैं सुबह कितने बजे पहुंच गई थी वहाँ पे, 9:10, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा पहले. मेरा स्लॉट 10 बजे शुरू होना था बट मैं 1 घंटा पहले पहुंच गई थी वहाँ पे. बाहर बहुत अच्छी बारिश हो रही है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है, तो मैं उसका बस नज़ारों का भी मज़ा ले रही थी, पहाड़ों का, नज़ारों का, बारिश का. और ठंड भी लग रही थी थोड़ी, बहुत सारे लोग तो कोटियाँ पहन के आए थे, स्वेटर्स पहन के आए थे. मैं ये बड़ी स्मार्ट बन के ना गर्मियों के ये जो आउटफिट कॉटन का कुर्ता पहन के चली गई वहाँ पे, बट ठंड तो लगने लग गई थी मुझे. सबसे पहला नंबर मेरा था, मैं गई अंदर, वैक्सीन लगवाई मैंने एंड यार पता भी नहीं चला, मतलब आई वॉन्ट इवन से 30 सेकेंड्स, लेस देन दैट. वो उन्होंने मतलब ऐसी चिमटी सी लगी, थोड़ी सी चीज चीटी काट जाती है ना, वैसा सा लगा एंड बस इट्स डन. मतलब इट आई हैव सीन सो मेनी वीडियोज वेयर पीपल लाइक आई थिंक पीपल आर स्केयर्ड ऑफ इंजेक्शन, आई गेट इट निडल्स, बट देन आई डोंट नो, ऐसा कुछ डरने वाली बात तो नहीं थी जितना लोगों ने एग्जैजरेट करके डाल रखा था. मुझे लगा पता नहीं कुछ ज़्यादा ही दर्दनाक होता होगा, मतलब इंजेक्शन उसमें पता नहीं कितने सारे क्या ही होता होगा कि इतना दर्द होता होगा लोगों को, बट इट वॉज नथिंग, इट वॉज जस्ट लाइक चीटी हल्का सा काटती है ना, बस उतना भी दर्द नहीं हुआ. देन आफ्टर दैट जिन्होंने मुझे वैक्सीन लगाई उन्होंने मुझे कहा कि आप एक काम करो, अभी 10 मिनट जाके बैठ जाओ, ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है, सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो हमें बताना, बाकी आप अभी 10 मिनट बैठ जाओ क्योंकि अभी आपको वैक्सीन लगी है, सो लेट योर बॉडी अब्सॉर्ब इट एंड व्हाटएवर. सो मैंने 10 मिनट वेट किया ऐसे ही, फिर मैंने कहा चलो ठीक है अभी ठीक लग रहा है, ऐसे कुछ तो भी लगने, अभी तक मुझे कुछ नहीं फील हो रहा है. फिर उसके बाद मैं घर आ गई, ठीक है, और घर भी मैं पैदल आई हूँ वहाँ से, मतलब ढलान रास्ता था, ठीक है, ऐसे स्लोप सा था, तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बहुत थक गई मैं, आराम से वॉक करके आई एंड आई थिंक 2 किलोमीटर्स होगा वो रास्ता, ठीक है, वहाँ से. सो आराम से वॉक करती हुई मैं नज़ारों का मज़ा लेती आई हूँ एंड अभी तक मुझे कुछ फील नहीं हुआ है सच, लाइक बहुत लोगों को हाथ में भी दर्द होता है यहाँ पे, तो फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ दर्द नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि मुझे अगर कुछ ऐसा महसूस होता है ना, अगर मेरी बॉडी हो, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर रात में अगर आपको फीवर आता है या टेम्परेचर लगता है सो यू कैन हैव पैरासिटामोल एंड या गाइस अभी जाके खाना बनाती हूँ मैं, है ना, क्योंकि भूख भी लगी अभी, तो लंच बनाया जाता है अभी एंड या गाइस स्टे ट्यून्ड. हाय गाइस, सो इट्स द नेक्स्ट डे और मैं अभी काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ. कल मैंने वैक्सीन लगवाई थी और वैक्सीन लगाने के बाद मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं हुई, मतलब फीवर या बॉडी एक ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, बट आफ्टर 5 or 6 hours मुझे बुखार हो गया था. तो जब मैं दिन में सोके उठी तो मुझे बुखार था, मैंने चेक किया टेम्परेचर था, तो मैंने पैरासिटामोल ले लिया बिकॉज डॉक्टर ने कहा था अगर आपको बुखार होता है, मतलब जिसने मुझे वैक्सीन लगाई थी, सो शी टोल्ड मी अगर आपको बुखार होता है, फीवर लगता है, तो आप पैरासिटामोल खा सकते हो. सो मैंने बस वही खाई और बुखार उतर गया था कुछ देर के बाद में, बट अगेन वो वीकनेस लग रही थी, थोड़ी थकावट लग रही थी, सो वो आई डिड नॉट वर्क, मैंने कुछ ज़्यादा सच कुछ किया नहीं जिससे मेरी बॉडी और एक्सर्ट हो जाए, तो मैंने वो सारी चीज़ें अवॉइड किया. मैं पूरा मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट आप कह सकते हैं मैंने वो किया और रात तक आई वॉज फाइन, बट स्टिल लाइक बॉडी एक था, थकावट थी,
ठीक है, मैं नहीं कहूँगी एकदम बदन टूट रहा था, बट हाँ हल्का सा बॉडी एक तो था एंड कमज़ोरी महसूस हो रही थी. सो आई वॉज स्लीपिंग, आई वॉज टेकिंग रेस्ट एंड देन लेट नाइट अराउंड 2 or 3 o'clock तो तब मुझे काफ़ी ज़्यादा दोबारा फीवर हो गया. ठीक है, मतलब एकदम बॉडी टेम्परेचर महसूस हो रहा था कि बॉडी गर्म हो रही है, तो बट आई वॉज स्लीपिंग तो ऐसा जैसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. देन अगेन व्हेन आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, मैं थोड़ा लेट उठी आज क्योंकि मुझे अगेन थोड़ी सी थकावट महसूस हो रही थी. बट देन आई टुक शावर, लाइक आई गॉट अप बाय 9 o'clock एंड 9 o'clock 9:30 एंड देन आई टुक शावर एंड आफ्टर टेकिंग शावर आई वॉज फीलिंग मच मच बेटर. और अभी दिन के 11-12 बज रहे हैं, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द लंच एंड आई एम फीलिंग बेटर, लाइक मच मच बेटर. आई वोंट से दैट एकदम से वो एनर्जी आ गई मेरे अंदर वापस. यस, थोड़ा सा लो फील हो रहा है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब हाय मैं कुछ नहीं कर सकती या मेरे में बिल्कुल ताकत नहीं है, ऐसे कोई वाली सिचुएशन नहीं है. बट यस, वो एक रिएक्शन होता है वैक्सीन का, तो वो हुआ. एंड कहते हैं कि अगर वो रिएक्ट करती है आपकी बॉडी पे, मतलब अगर ऐसे रिएक्शंस होते हैं, तो इट मींस इट्स वर्किंग. सो या दैट वर्ड, that's what happened to me, that's what I felt. Also अभी मेरे हाथ में जैसे यहाँ पे वैक्सीन लगी थी तो थोड़ा सा मतलब दर्द होता है, जैसे अगर अभी भी मैं टच करूँ उस जगह पे जहाँ पे उन्होंने वैक्सीन लगाई थी तो वहाँ पे दर्द होता है, हल्का सा दर्द है. ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, स्वेलिंग भी नहीं है कुछ ऐसी, इट्स नॉर्मल ओनली. एंड या दैट्स ऑल, आई विल एंड दिस व्लॉग हियर. आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव. If you do, make sure you like, share and subscribe to my channel. Press the bell icon next to the subscribe button so that you will be notified next time I upload a video. Also, agar aapke dimag mein second thoughts aa rahe hain, so I would say that precaution is better than cure. So please jaiye and get yourself vaccinated. सिर्फ अपने लिए नहीं, पर जो आपके आसपास लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी. सो या गाइस, एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई शैल सी यू इन माई नेक्स्ट वन. Take care and stay safe.